सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कोटा से आए स्कूल टूर में कुछ पर्यटकों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी अनुसार कोटा शहर से स्कूल टूर के दौरान कुछ पर्यटक चित्तौड़गढ़ दुर्ग घूमने आए थे, जिसमें बच्चे और टीचर शामिल हैं। किसी कारणवश स्थानीय लोगों से पर्यटकों की अनबन हो गई। बात हाथापाई तक आ गई, जिसमें 7 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर मौके पर कोतवाली पुलिस मय जाप्ता पहुंची और चोटिलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। कोतवाली पुलिस ने सभी चोटिल पर्यटकों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इस मामले में 7 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आए दिन बदमाशों द्वारा बाहर से आने वाले पर्यटकों के साथ इस तरह मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है, मगर इन लोगों पर ना तो पुलिस द्वारा और ना ही पर्यटन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते इनके हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। हम कोटा से हैं, नगर विस्तार योजना से हैं। तो चित्तौड़गढ़ क्या करने के लिए आए थे? चित्तौड़गढ़ सर, हम पिकनिक मनाने आए हैं, उदयपुर तक जाते हैं। तो हम यहाँ पर महादेव जी मंदिर पे रुके सुबह, तो हम क्या पिकनिक नाश्ता ना के सब फ्री होके हम पिकनिक मनाने ऊपर गए। जो वहाँ पर बच्चों से कुछ अपशब्द बात हुई थी फोटो वालों की, तो इन्होंने बात करी थी तो भाई ऐसे बात मत करो, क्या बात है क्या नहीं है। मैं नहीं था वहाँ पर मौजूद, छोटे बच्चे थे हम, बड़े बड़े तो क्या है उधर बैठे थे पास में। तो हम भाग के आए, उनको समझाया क्या बात है क्या नहीं, पर वो समझते नहीं थे। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और दोस्त बुला लिए, उन्होंने कम से कम 25-30 दोस्त होंगे। उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा, सभी को मारा, लेडीज़ भी थी उनके 4-5, हालत गंभीर कर दी हमारी। किन्होंने आपके साथ मारपीट किया सर? फोटो स्टूडियो वाले थे वो। कहाँ की घटना है ये सर? वहाँ की है, किले की है, जो विजय स्तंभ है वहाँ के जस परिसर के अंदर है सर। हम कोटा से आए सर, राजस्थान के बच्चे राजस्थान टुकाई लगा रहे, क्या करें, कहाँ जाएँ। कुल कितने बच्चे आपके साथ थे अभी? मेरे साथ थे कम से कम 55-60 बच्चे थे मेरे पास। कितने लोग घायल हुए? उनको भी मारा, सबको मारा है। कितने लोग घायल हुए? 8-10 घायल हुए। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।